अल्लाह सलामत रखे उन्हें। हम जो भी जानते हैं सिर्फ शेखे मोहतरम की बदौलत। कैसा हसीन इत्तेफाक है, ताब्दुक एमरे हमें भी अच्छी तरह जानते हैं। वो यहां भी आएंगे, यकीनन वो तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। देखा बेटा, मैं ना कहती थी कि शेख मोहतरम एक दिन यहाँ खुद तशरीफ लाएंगे। हम कैसे मुदाखलत कर सकते हैं कि किसने क्या छोड़ दिया? तराजू उठाकर लोगों के गुनाह तोलते फिरे क्या? अपने गुनाहों का वजन करने वाला कोई तराजू है क्या जिसमें इंसानों के गुनाह तोले जाएं? लेकिन अगर आशिक माशूक से अपनी मोहब्बत का इजहार न कर सके तो भला वो कैसा इश्क हुआ? हर शय की माफी है मगर हुकूक़ुल इबाद की माफी नहीं है। वो कहता है उन्हें तो मैं भी माफ नहीं कर सकता। खैर तो है शेख मोहतरम? लो ये पुदीना, मौसम खुशगवार है, नदी बह रही है उस तरफ। शेख मोहतरम आपकी इजाजत हो तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी खाला के पास रुकना चाहिए। जन्नत जैसी खुशबू है इसकी, मगर कौन कहेगा ये कीचड़ मोकता है। तुम्हारा फैसला दुरुस्त है कासिम। फिलहाल अक्ल तो यही कहती है। रुको, ये मुझे दो। क्या वादा किया था तुमने मुझसे? हाँ कम से कम अपने वादे का पास तो रखते। जिद कर रहा था, कहता है घोड़े पर बैठना है। आप जाइए पीर भाई, जाकर घोड़े की देखभाल कीजिए। काम मुकम्मल होने पर हम चश्मे की तरफ चलेंगे, फिर सवारी कर लेना। मुझे नहीं करनी। समझ आ गया मुझे, जब तक तुम्हें कोई मसरूफियत नहीं मिलेगी तुम ऐसे ही दूसरों को तंग करते रहोगे। ये सब जायदा बच्चे को चाहिए था, ये मैंने खास तौर पर उसके लिए खरीदा है। लेकिन मैं तो नहीं जा रही हूं अम्मा जान। हर दिन तुम्हें जाने का बहाना चाहिए होता है तो आज क्यों नहीं? बाबा जानी तो कहते हैं कि एक घर में रोज नहीं जाना चाहिए, कदर खो देते हैं हम रोज जाकर। बच्चे, सुबह बखैर हो आपको। आपकी सुबह भी बखैर हो। अगर बाबा का पूछने आए हैं तो वो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। जानता हूं शेखे मोहतरम से मिलने नहीं आया हूं।
आज के बाद आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं अब आपके साथ रहूंगा खाला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफियत हो दुंदु दही। शुक्रिया आपका। आइए खाना खाइए। हम खा चुके। बरकत हो इसमें। दुंदु दही, ये हमारी बेटी है उम्मो। उम्मो बेटी, आओ हमारे साथ बैठो। आपका बहुत शुक्रिया खाला जान। चलो बेटी, चलो। उम्मो बेटी का कहना है कि इसका कोई नहीं जिसके पास वो जाकर रहे। ये मुतफक्किर है कि क्या दुंदुदई इसे अपने साथ रख सकती हैं। किसी परिंदे को घोंसले की तलाश होती है और किसी घोंसले को परिंदे की। ये यहाँ रह सकती है, कोई मसला नहीं। इसे अपना ही घर समझना बेटा। अल्लाह ने मुझे जो भी दिया है हम दोनों मिलकर इस्तेमाल करेंगे, बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, अब अपने भांजे को हमारे फकीर खाने जाने की इजाजत दीजिए। जी बिल्कुल, मैंने कासिम को कब रोका है। अब तो मेरे पास उम्मू बेटी है। खैर तो है सरिया आगा। वही अखी हुनरमंदों का मसला। सरदार तो नरमी चाहते हैं मगर वो सुनने को तैयार नहीं। बाजार का निजाम तो आपके सामने है सरिया आगा, हुनरमंद सुनेंगे कैसे। देने के लिए कुछ पास होगा तो देंगे ना आपको। दूसरे मसाइल भी हैं जिन पर मुझे आपसे बात करनी है। काजी साहब मौजूद तो होंगे ना वहां। बिल्कुल होंगे यूनुस अफंदी, अगर आप चाहें तो उन्हें खबर करवाने के लिए सिपाही भेज दूं। हाँ ठीक है, भेज दें। जमालानी के बागा ताब्दू कैमरे की दरगाह के लिए वक्फ करना चाहते हैं ओगला साहब, इसलिए काजी साहब की मोहर दरकार होगी। आप जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, हम चल देंगे उन्हें साफंदी। इजाजत दीजिए फिर। अस्सलामु अलैकुम हसन अफंदी। वालेकुम अस्सलाम यूनुस अफंदी। ओगलो साहब अंदर मौजूद हैं क्या? जी वो अंदर मौजूद हैं। ठहरो, पहले मैं एक काम कर लूं फिर मिलता हूं उनसे। जैसा आपका हुक्म। बस मुझे कागजी कार्रवाई के लिए जाना है। सरियागा को भी बता चुका हूं मैं कि काजी के पास जाना है। बस मैं अपना काम कर लूं फिर मिलता हूं ओगलो साहब से। आप जिस वक्त चाहें मिल सकते हैं यूनुस अफंदी।
अल्लाह के हुक्म से बेदिली की आराजी तादू कैमरे की दरगाह के नाम कर रहे हैं ओगलो साहब। काजी के पास भी इसी काम से जा रहा हूं मैं। आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर, हम तो आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। चलता हूं। जी कहिए जनाब। ज़ाहिदा खातून नहीं है क्या? सरदार के साथ हैं वो उस वक्त। मैं कमरे की सफाई कर रही थी, उन्हें बुलाकर लाऊं क्या? रहने दें, बस कुछ काम था उनसे, बाद में मुलाकात कर लूंगा मैं। अल्लाह के करम से एकांजलि की अराजी ताब्दू कमरे की दरगाह के नाम कर रहे हैं सरदार। जब तक कागजी कार्रवाई निपटा लेता हूं मैं। अल्लाह आपको आसानी अता करे। शुक्रिया यूनुस अफंदी। कुछ और नहीं कहना तो जाकर अपना काम करो। अगर आप इजाजत दे दें तो बासिम से मिलने जाना चाहती हूं। बिल्कुल जाओ, ठीक है। खानम सुल्तान से अगर कुछ पता चले तो हमें खबरदार करना, हरगिज ना भूलना। सरदार कोई आया है? कौन है? यूनुस अफंदी जनाब। आओ यूनुस अफंदी, आओ। कोई अहम बात है तो मैं चली जाती हूं। ऐसी कोई बात नहीं, बस ताब्दू कैमरे की दरगाह को अतिया करने वाली बोजिका की अराजी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं सरदार, अगर आप मुनासिब समझें। कर लेते हैं तुमसे बात। ज़ाहिदा खातून वैसे भी दरगाह जा रही हैं बासिम खातून से मिलने के लिए। मैं पहले बोजिका की अराजी के कागजात का जायजा ले लूं, फिर मैं आपसे मशवरा करता हूं सरदार। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूं। देख लिया था, जब तक मैं नदी पर पहुंचा वो गायब हो गया था। तकदीर से दुनिया का कोई शख्स भाग नहीं सकता। मेरे शेख ने मेरे नाम पर हमेशा कलम फेर दिया,
मैंने आईने में देखा खुद को। देखो तो सही कासिम आगा, खुद को देखो तो सही। लायक भी हो तुम शेख के साथ रहने के? पहले आईने में देखा कि मेरा माजी इंतहाई तारीख, तारीखी के सिवा कुछ ना दिखा आईने में मुझे। और उसके बाद फिर आपने मेरा हाथ थाम कर मुझे कुएं से निकाला। मैं कसूर पे कसूर करता रहा और आप मुझ पर लुत्फ फरमाते रहे। अब हजारों गुनाहों में लोटपोट और आप हमें सीने से लगाते रहे हमेशा। इंसान का चेहरा हक का नजारा होता है कासिम, हम इससे कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? एक बार फिर आपने मुझे माफ कर दिया, मगर मैं आपकी दरगाह के लायक नहीं हूं। मैं वापस जा रहा हूं शेख, तो क्या हमारी दरगाह में इसके लायक लोग ही रह सकते हैं? तुम ये कह रहे हो कासिम? अलबत्ता किसी शख्स को आजमाना सिर्फ उस हक जात को जेब देता है, हमारा यही ईमान है। हम कौन होते हैं जो किसी को आजमाएं, उसके अहल होने या ना अहल होने का इंतखाब करें? खालिक ने इंतखाब किया, हमें बंदा बनाया, क्या उसके इंतखाब पर इंतखाब करें? हमारी कोई मर्जी नहीं है कासिम, हम आने वाले को जाने का और जाने वाले को रुकने का नहीं कहते। आने वाले के लिए बिस्तर हाजिर, जाने वाले के लिए रास्ता। अलबत्ता अगर मुझसे पूछो तो शर चाहने वाले के लिए शर, खैर चाहने वाले के लिए खैर। जो होता है खुदा की मर्जी से होता है। तुम ढेरों बुराइयों में भी मुब्तला रहो तो उसका अंजाम नेक हो सकता है, और कभी तुम ढेरों नेकियां भी करते रहो तो उसका अंजाम बद निकल सकता है। और अगर तुम कसूर ना करते, अगर हम गुनाहगार ना होते, हम अपने मामूल के दायरे से बाहर ना निकले होते, कैसे खबर हो सकती थी हमें तुम्हारी खाला के हाल की? जैसा तुमने कहा है बिल्कुल वैसा ही मैंने किया है यूनुस अफंदी। अब आगे क्या करना है? बस इंतजार करना है। जाल बिछा दिया है तुमने, इंतजार करते हैं। देखते हैं इस जाल में कौन फंसेगा। जरा सा इंतजार, जल्द पता चल जाएगा। बग्घी में कौन आ रहा है? जाहिदा होगी, तुम नहीं जानते हो।
झलक दिखला के वापस चली आई थी, इसलिए मैं खुद चली आई। कैसी हो बासिम? ठीक हूं बिल्कुल। तुम्हारे मिजाज कैसे हैं आयगुल? मैं ठीक हूं बासिम सुल्तान। खुशी हुई तुम्हें देखकर कि तुम आई। अरे तुम जहमत क्यों कर रही हो? शेख बाबा मौजूद हैं? अभी तक लौटे नहीं वो। बासिम सुल्तान, हमारा तारुफ तो करवाओ इनसे। आखिर ये है कौन? इस्माइल है ये? आप यकीनन ज़ायदा खातून हैं। बिल्कुल। किसके बेटे हैं आप इस्माइल? यूनुस अफंदी के साथ रहता है इस्माइल। शेख यूसुफ अफंदी हजरत ने हमारे पास एक दरवेश भेजा है, वो आपको किरमान आने की दावत दे रहे हैं। शेख कैसी बातें करते हैं। वली चचा, मुझे भी करनी है थोड़ी बात। होशियार। अस्सलामुअलैकुम। खुदा का शुक्र हमारी फिर मुलाकात हुई। तुम्हारा क्या हाल रहा दोस्त इतने अरसे? मेरे पीर ने आपको सलाम भेजा है मेरे शेख। वो आपको दावत दे रहे थे और कह रहे थे कि आपका दीदार नहीं हुआ, आप आएंगे तो हमें खुशी होगी। जरूर चलेंगे हम वली, जरूर चलेंगे। हक ने नसीब में लिखा है तो हम साथ चलेंगे इंशाल्लाह। आपकी वापसी पे खुशी हुई शेख मोहतरम। चलिए भाई, अपने कामों, अपनी जिम्मेदारियों और अपने जिक्र पर लौट जाइए। इजाजत चाहता हूं शेख मोहतरम। यूनुस आगा वापस नहीं आया अब तक अपने काम से? क्या बात है इस्माइल अफंदी, क्या कसूर किया है हमने कि तुमने हमसे मुंह मोड़ लिया? तो हमारा क्या कसूर है कि इस दरगाह में सबने हमसे मुंह मोड़ लिया है? आप तो यहाँ के शेख हैं, आप ही बता दें। कौन है जिसने हमारे जान से प्यारे दोस्त से मुंह मोड़ा? जरा तुम हमें ये तो बताओ। कौन है जो ऐसा नहीं करता मेरे साथ?
अली ताइग अफंदी बावर्ची खाने से भगाते हैं और सरुहान अफंदी अस्तबल से, और यूनस आगा साथ ना ले जाने के लिए बासम सुल्तान के पास छोड़ जाते हैं, वो यहाँ भेज देती हैं, और आप भी तो अचानक से चले गए थे और अब आए हैं। नहीं जाइए। अरे ले लो ना भाई, तुम्हारे लिए लाए हैं हम। लगता है तुम बेजार हो गए। आप होते तो शायद ना होता। क्या करूं मैं यहाँ सुबह की नमाज से सोने तक? शाहिम को बुला कर लाओ आईगुल खातून। हवेली में ही है। मेरे लिए कोई और हुक्म हो तो बताएं। नहीं, तुम जा सकती हो। खाना खाया करो, जान बनाओ यूनुस, सारा दिन काम करते हो। खैरियत होगी सब? जी बिल्कुल। रुपये को समत उतारो शाही, खाना तमीज से खाओ। तुमने खाना खा लिया है तो तुम्हारे कमरे में चल के काम शुरू करते हैं यूनुस अफंदी। आफियत हो आपके लिए। आपके लिए। चाल इस पर तो नहीं चल सकी यूनुस अफंदी। हो सकता है शाहीन आगा मासूम हो। मासूमियत को भी शर्म आएगी अगर वो शाहीन के पास हुई तो। सोचो यूनुस अफंदी, उसे किस तरह पता चल सकता है कि मैंने तुम्हें अशरफियां देकर किसके पास भेजा है। अच्छी तरह जानता हूं मैं,
उसे मेरी ताकत और हुक्मरानी का घमंड है। चाहे तरीका कोई भी हो, कोई भी हरबा आजमाएं हम, गद्दार अगर आपकी हवेली में मौजूद है तो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। फिक्र मत कीजिए, बस इतना याद रखें कि आप जितना चाहें छुपा लें, हकीकत एक न एक दिन सामने आकर ही रहती है। चाहती हो यूनुस अफंदी के सामने कह सकते हो, इनसे कुछ छुपावा नहीं है। अच्छी तरह मालूम है, तभी तो आपकी जायदाद खैरात करने की कोशिश कर रहे हैं यूनुस अफंदी। पहेलियां मत पूछो शाहीन, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। हमें बेयारों मददगार करके आप अपनी जायदाद दरगाह के नाम करने जा रहे हैं? क्या तुम दिन में ख्वाब देखने लगी हो शाहीन? हाँ यूनुस अफंदी, तुम्हारा मंसूबा अच्छी तरह आश्कार हो चुका है हम पे। दरगाह के नाम की जाने वाली जगह भी बताएं क्या हम? कौन सी जगह है वो जो ताप तो कैमरे की दरगाह के नाम की जा रही है? हो सके तो हमें भी बता दो जरा। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं यूनुस अफंदी? जानदार ओगलू की जायदाद में इंतहाई कीमती अराजी बहुत जीका को ताबदुक अहमरे की दरगाह के नाम नहीं कर रहे क्या? बस ताबदुक अहमरे की दरगाह को अतिया करने वाली बोजीका की अराजी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं सरदार। सरदार, आइगुल जल्दी से दस्तखान लगवाओ, बहुत भूख लगी है। अभी लगवाती हूं। सरदार, खैरियत तो है ना सरदार? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? जिंदगी का साथी बनाया, हवेली की मलका बनाया तुम्हें, और तुमने क्या किया? हमारे ही बेटे के साथ मिलकर गद्दारी की हमसे। कैसी बातें कर रहे हैं सरदार, मैं समझी नहीं, मैंने कौन सी गद्दारी की है? खामोश हो जाओ बेचारा।
تمہارے علاوہ کون جانتا تھا وزیکا راضی درگاہ کو دینے کے متعلق؟ کس نے بتائی ہے یہ بات شاہین کو؟ بتاؤ! قسم لے لے سردار، میں نے نہیں بتایا، میں برے حال کو پہنچا ہوں۔ کم از کم اپنا گناہ تو تسلیم کرو زاہدہ، شرم نہیں آتی تمہیں؟ خالص چیز سڑتی نہیں، شاید میں بو نہیں ہوتی، بدبو تو اس چیز میں ہوتی ہے جو خالص نہ ہو۔ تم جیسی عورت سے شادی کر لی، کسی اور مصیبت کی کیا ضرورت ہے جاندار؟ اب لوگوں میری نظروں سے دور ہو جاؤ، آئی گل اور ایک محافظ کو ساتھ لو، جاؤ جا کے چمرانے میں زندگی گزارو، اس معاملے کو اب یونس افندی ہی نپٹائیں گے۔ ہم ہزار غلطیوں کو ایک شمار کر رہے ہیں، مگر پیر بھائی یہ نہ سوچئے گا کہ ہم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا۔ کئی سال گزر گئے شیخ صاحب، کیا آپ اپنی بیٹی کو معاف نہیں کر سکتے؟ وہ شرمندہ ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی اور آپ سے معافی چاہتی۔ زاہدہ خاتون پریشان ہیں بہت، آپ کی تحقیقات پر کوئی اعتراض نہیں، فرض کریں انہوں نے اگر ایسا کیا بھی ہے تو بری نیت سے ہرگز نہیں کیا ہوگا۔ آپ کی غیر موجودگی میں گنگور افندی نے ہم سے بہت کام کرایا پیر بھائی۔ اور کیا کرتا وہ پیر بھائی، گنگور افندی کی فرض شناسی کا جنہیں اندازہ نہیں ہے انہیں تو تھکنا ہی تھا۔ استغفر اللہ، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کام ہے، بتایا تو تھا۔ کام کیا ہے یہ تو نہیں بتایا نا۔